हमारी सभा में प्रार्थना है पूज्य प्रेम शर्मा जी से कि वे हमें अपने अनुभवों से महात्म दर्शन कराएं। सजान स्वामी महाराज की जय। हमारे प्यारे गुरुजी, दीदी, बहनें, संतगण, सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले मैं दीदी और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने पास संभाल के बहुत प्यारे से बच्चे की तरह रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ हमें जो मेरी फैमिली को हमारी एक डिवाइन डॉटर प्रोवाइड की है, जो केसर है, जिसका आज बर्थडे है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में गुरुजी दीदी का आना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आज मैं कहीं पर भी जहाँ भी स्टैंड कर रहा हूँ वो सिर्फ इनकी बदौलत ही है। वरना मेरा न कोई वजूद था, न कोई ताकत थी, कुछ भी नहीं था। जो भी आज मैं रीस्टैंड किया हूँ सिर्फ गुरुजी और दीदी की बदौलत हूँ। मुझे संभालने के लिए, मुझे सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी। मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, पापा के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट रहा हूँ, तो उसे वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने को मिली बचपन से ही, चाहे वो बिज़नेस का सेक्टर रहा हो या लाइफ का कोई भी सेक्टर रहा हो। मुझे हर जगह, हर फील्ड में महाराज ने, गुरुजी ने, काका जी ने बहुत सपोर्ट किया है। जब छोटे थे हम लोग, तो हम काका जी के साथ ऐसे घुल मिल के रहते थे जैसे आज नक्शु गुरुजी के साथ रहता है। बीच में मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ घबराहट में कुछ गलत निकल जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्यों मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है माइक के ऊपर। क्योंकि स्कूल टाइम में भी मैं स्कूल प्रिफेक्ट था, तो जब कभी स्कूल में एड्रेसिंग होती थी तो मैं उस दिन गोल हो जाता था, छुट्टी मार जाता था या बंक कर जाता था, ताकि मुझे स्कूल एड्रेसिंग ना करनी पड़े। पर आज कौशिक भाई ने मुझे आज्ञा करी कि गुरुजी ने कहा है तो मैं बोलूँगा। '90 में जब मैंने, पापा ने गारमेंट का काम स्टार्ट किया मलकानी अंकल की सपोर्ट से, तो उस समय इनिशियल स्टार्टअप में ही पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से मुझे बिज़नेस में जल्दी आना पड़ा। उस समय में मैंने इतना गुरुजी की बातों को या काका जी की बातों को इतना ज़्यादा समझा, मेरे साथ इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला जो मैंने देखा और महसूस किया। कितनी बार ऐसा होता था कि नया नया शौक था, नया काम में आया था, तो जुनून होता है ना, एक एनर्जेटिक फील होती है कि ये कर देना है, वो कर देना है। कई बार ऐसा होता था, हम लोग मेहरौली रहते थे, तो वहाँ से मैं टू व्हीलर पर आया करता था। पापा को तो मना किया था डॉक्टर ने, बेड रेस्ट के लिए बोला था, क्योंकि उनके कॉलर बोन फ्रैक्चर था। स्कूटर पे हम जा रहे होते थे, धुन भी चल रही है और दिमाग में विचार भी चल रहे हैं। अपने आप ही स्कूटर मेरा साइड में हो जाता था और पता चल रहा है साथ में मेरे बड़ा वाला जो ट्रक होता है वो बिल्कुल क्लोजली निकल गया। उस समय एहसास होता था कि महाराज कितनी रक्षा करते हैं, बिल्कुल बहुत क्लोज साथ से निकल। फिर धीरे धीरे बिजनेस थोड़ा सा ग्रो किया, अलग अलग सेक्टर्स में मैंने जाना शुरू किया, बहुत कुछ सीखा, कुछ एक अच्छी एक स्टेज भी आई। उसके बाद हम लोग बद्दी शिफ्ट हुए, फिर बिजनेस में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आई, हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पे आ गए। ये तो एक छोटा सा पीरियड है, बट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ गुरुजी
और दीदी हमारे साथ खड़े थे जिन्होंने हमें संभाल के रखा, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो सेक्टर में खड़ा था मैं उसमें। मैं वो जो पीरियड होता है ना उसमें सिर्फ यही समझने जैसा होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। सिर्फ मेरे फादर की जो रिस्पेक्ट जो गुरुजी ने पहले रखी वही रिस्पेक्ट वही मान मेरे पापा का गुरुजी ने हमेशा मेंटेन रखा और आज भी वही रखा हुआ है। क्योंकि जब आपके पास जेब खाली होती है ना तो सब दूर दूर भाग जाते हैं, पर हमारे समाज में ऐसा नहीं है। गुरुजी ने जो हमें सिखाया है जो एकता परिवारवाद जो रखा है कि एक फैमिली समझकर सत्संग को जीना है, वो सिर्फ हमें गुरुजी ने ही सिखाया है। और जितनी फ्रीडम फ्रीनेस गुरुजी ने हमें दी हुई है शायद अपने हमारे स्वामीनारायण समाज के अंदर किसी भी मंडल में किसी भी सेंटर में नहीं है, चाहे वो हरिधाम है या और जो भी पवई है, मतलब जितने भी सेंटर्स हैं। गुरुजी ने हमें मुझ जैसे नालायक बच्चे को पैम्पर करके रखा हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ, जो मैं डिज़र्व नहीं करता। उसके बाद भी वो मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं कुछ पास्ट में, जो चाहे वो विजय से रिलेटेड रही या कुछ भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, पर गुरुजी ने उन चीज़ों का मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया। शायद मैं बड़बोलेपन में कुछ बोल भी गया। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि जिस तरह से सत्संग में पहले मैं भी, मेरा सर्कल काफ़ी वाइड रहा है, फ्रेंड्स का सर्कल, जिसमें हर रिलीजन से रिलेटेड लोग थे, तो मैं उन जगहों पे भी गया। एक बार सभा में जो अपनी शिविर होता है, शिविर में गुरुजी ने बताया, एक बार नहीं काफ़ी बार बोला, पर काफ़ी साल पहले मुझे गुरुजी ने सभा में प्रवचन दे रहे थे तो मैंने गुरुजी की एक बात फॉलो की। गुरुजी ने कहा जिस तरह से हर इंसान का बाप एक होता है ना, और बाप ही सबको संभाल के अपने बच्चों को संभालता है, बाकी तो रिश्ते चाचा चाची फूफा मामा मामी होते हैं, उसी तरह हर इंसान का भगवान भी एक होता है। तो इसलिए अगर कोई किसी प्रॉब्लम में हो तो अपने बाप को रो ना, क्यों दुनिया के सामने रोते हो, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी, सिर्फ बाप ही सुनेगा। और उस दिन से बहुत साल हो गए, उस दिन के बाद मैंने एक चीज़ बांध ली कि अगर मुझे कुछ कहना है या कुछ प्रॉब्लम है तो मैं महाराज से ही कहता हूँ या दीदी से या गुरुजी से कहता हूँ, और सच में 100% रिज़ल्ट मिलता है। मैं सुबह गुरुजी मुझसे नाराज़ भी होते हैं उस चीज़ के लिए कि सुबह ऑफिस जल्दी जाकर, पर मैं नहीं जा पाता, पर फिर भी उसके बाद भी मैंने एक नियम ज़रूर पकड़ा है कि मैं ठाकुर जी के गुरु जी के दर्शन करके जाता हूँ। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टअप की डे स्टार्टअप की, मैं गुरु जी के साथ तो नहीं पर महाराज के साथ डिस्कस करके उनके सामने रख के जाता हूँ और मुझे रिजल्ट मिलता है। आज भी स्ट्रगलिंग स्टेज है बट एक रिस्पेक्टिव स्ट्रगलिंग स्टेज है, स्टार्टर वाली नहीं बट एक सेटल स्टेज है। स्ट्रगल तो लाइफ में करना ही होता है हर एक इंसान को, पर एक ये मतलब जो मैं अचीव किया है जो कुछ भी है उसका सारा क्रेडिट मैं महाराज को काका जी को गुरु जी को देना चाहता हूँ। और सच्चाई है इसमें, मेरी लाइफ का आज जो कुछ भी है मेरे पास वो सिर्फ गुरु जी की बदौलत है, जो उनकी गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने सिखाया। मैं पूरी तरह तो उस पर पूरा नहीं हो पाया, पर कोशिश करता हूँ कि करूँगा कि आने वाले पीरियड में मैं उन चीज़ों को निभा सकूं, जैसा गुरुजी मुझसे चाहते हैं मैं वैसा बन सकूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं कितना टाइम लगेगा मुझे ये नहीं पता, बट मैं गुरुजी के सामने ये बोलता हूं और इस चीज़ को फॉलो भी करूंगा और करके दिखाऊंगा, गुरुजी का लाडला बेटा बन के दिखाऊंगा। गुरुजी आपसे एक बात कहनी थी, मुझे जब मैं छोटा था नक्शू जितनी एज का 10-12 साल का, तो काका जी घर पे आया करते थे, जिस तरह नक्शू गुरुजी आपके साथ फ्रीली बात कर पाता है एड्रेस कर पाता है, मैं आज भी आपके सामने में कहने में झिझकता हूँ। तो मुझे कुछ मुझे पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है ना, पापा मुझे कहते हैं कि तू गुरुजी से क्यों नहीं डिस्कस करता जब गुरुजी को इतना मानता है, पता नहीं क्यों गुरुजी मैं नहीं बोल पाता हूँ, मुझे एक झिझक सी रहती है, जबकि मैं मेरी लाइफ में
टॉप प्रायोरिटी पे या फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ही हैं, मैं चाहे वो आज सबके सामने कह रहा हूँ, बट सच्चाई है मेरी लाइफ की आज की डेट में, अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो आप हैं, महाराज हैं। बाकी सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स हैं, वो सब चीज़ें एक प्रायोरिटीज़ अलग अलग प्रायोरिटीज़ पे आते हैं, बट आप मेरी लाइफ की पहली प्रायोरिटी हैं। पर मैं इतना जितना काका जी के साथ फ्री था, पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लगता है मेरी किसी बात से आपको बुरा ना लगे, और जबकि काका जी के साथ मैं बिल्कुल बिंदास होकर के मैं ब्लंट, जैसे कहते कुछ भी, मतलब हम दिल की बात होती थी ना, हम कह देते थे, तो मुझे बल दो कि मैं अपने मन की बात आपके सामने रख सकूं, दीदी के सामने रख सकूं। बाकी तो बचपन के इतने एक्सपीरियंसेस हैं, बिजनेस के एक्सपीरियंसेस हैं, जब दोबारा काम एक बार ख़त्म हो गया था, दोबारा जब रीस्टार्ट किया तो मुझे एक बार है ना पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ठंडन गोपाल वाली स्थिति थी, जेब खाली थी, तो मुझे मैंने गुरुजी महाराज के सामने एक रिक्वेस्ट की कि महाराज कैसे होगा, मुझे पेमेंट करनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं। मैं यहाँ से धुन करके गया तो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट में किसी बैंक के स्टाफ की गलती से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। मुझे नहीं पता, मेरे पास मैसेज आया कि यू हैव बीन क्रेडिटेड 2 लाख रुपीज़। मेरे लिए तो वो एक मिराकल था। मैंने गुरुजी को डिस्कस किया कि गुरुजी मैं क्या करूं, गुरुजी ने कहा देख ले यार, तेरा को अगर सूट करता है, ज़रूरत है तो कर ले, बाकी मैंने पैसे निकाल भी लिए, पर मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं ऐसा करूँ। फिर वो 2 दिन बाद मैनेजर ने फ़ोन किया और स्टाफ को मेरे ऑफिस भेजा कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है, गलती से स्टाफ की गलती से, तो अब इसको कैसे मैनेज करना है। मैंने कहा बात तो वहीं की वहीं हो गई, तो गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा करो कि इसको अगर वो मानता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बैंक में, आप उसको रिटर्न कर दो। बट वो क्रेडिट डेबिट की बात नहीं है, सिर्फ एक ये रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात है कि गुरुजी वाली बात कि महाराज ने ये एसेस करने के लिए बोला, ये सब किया कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कभी अहित नहीं होगा, और आज तक मेरे साथ कभी भी मैं किसी भी सर्कमस्टांसिस किसी भी स्टेज में, कई बार होता है जेब बिल्कुल खाली होती है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पैकेट पड़े होते हैं, पर वो ये है कि मेरा काम नहीं रुकता कभी, और ये मेरे साथ नहीं है, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी, मुझसे बड़े मुझसे छोटे, मेरे साथ के लोग सबके साथ हैं, बट हमें उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा कि महाराज गुरुजी दीदी उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ में है। मैंने आज तक लाइफ में कभी स्टूडेंट टाइम में भी है ना कभी वो चिट नहीं लेके चला। आज पहली बार लाइफ में ये लेके चल रहा हूँ, फर्रा जिसे कहते हैं। अभी जब मैं बैठा तो अंकल ने पूछा कि ये क्या लेके आया। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा अंकल ये बस थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास 3 दिन पहले कौशिक भाई का फ़ोन आया था, तो मैं उस समय बॉम्बे में था कि भाई तुझे ऐसे ऐसे सभा में बोलना है, अब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा मैटर था। पब्लिकली आप यहाँ सभा में माइक के सामने ना बैठ के आप मुझे कहीं भी बिठा दो, मैं प्रॉपरली जस्टिफाई कर दूँगा, सेटिस्फाई कर दूँगा, चाहे वो सामने 200 लोग बैठे हैं या 500 लोग बैठे हैं, पर यहाँ गुरु जी के साथ में बैठ के सामने बैठ के बोलना मेरे लिए बड़ा। जब एक बार फंक्शन के लिए वीडियो बन रही थी ना, तो सभी सत्संगी भाइयों का वो वीडियो बन रही थी, मुझे पुनीत भैया ने, अक्षर स्वामी ने 3 बार प्रोग्राम बनाया, शेड्यूल बनाया कि तुम्हारा को आना है। वो जब भी प्रोग्राम बनाते थे मैं कभी टाइम पे नहीं पहुंचता था वो, क्योंकि मुझे एक अजीब सा होता था, पर अब यहाँ बैठ गया हूँ तो अब ऐसा लग रहा है कि सब मेरे
अपने घर के बैठे हैं तो उनके साथ मैं अपने मन की बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने तो बचपन से ही, मैं थैंकफुल हूँ महाराज का, जो पापा का, कि मैं उनके घर में जन्म हुआ मेरा, और मेरे को सबसे पहले उत्तम स्वामी, भाई स्वामी, काका जी, गुरु जी, सब लोगों के दर्शन हुए और सबका प्यार मिला। और बचपन में तो मैंने बहुत आशीर्वाद मुझे मिले हैं काका जी के, हरिप्रसाद स्वामी के। हरिप्रसाद स्वामी प्यार से है ना, जब आशीर्वाद देते थे तो बहुत अच्छे से जोर से ना धमाकेदार थप्पड़ मार देते थे तो गाल है ना पूरा गाल और कान दोनों लाल हो जाते थे। मैंने बहुत खाए हैं, शायद उसी की बदौलत मैं बचा हुआ हूँ, वरना जो स्टेज मैंने देखी है, जितना टेंस रहा हूँ मैं, शायद मैं इस समय दवाइयों के ऊपर जी रहा होता, पर मुझे महाराज की ब्लेसिंग है कि मेरे को कभी ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सच में ज़रूरत नहीं पड़ी फर्रे की। एक और भी चीज़ मैंने महसूस की है कि हम लोगों को है ना गुरुजी की वजह से, ब्लेसिंग की वजह से, सत्संग में तो हमें जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता ही है जितने भी हम सेंटर्स में जाते हैं, लाइफ की और भी स्टेजेस में जहाँ भी हम, जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं या एक नई हम फ्रेश किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ हमें मिलता है, मुझे भी मिला है। हमेशा मैं किसी भी कहीं जाता हूँ, चाहे किसी भी फंक्शन में या किसी भी क्लाइंट के पास या किसी हॉस्पिटल में भी चला गया किसी को देखने में, तो वहाँ भी ऐसे अटेंशन मुझे मिला है कि जैसे कि मैं पता नहीं कितना बड़ा मतलब तोप आ गया हूँ, जबकि आई एम नथिंग, सिर्फ एक इंसान हूँ, कॉमन मैन। गुरुजी सच में मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सच कि आपने मुझे सच में संभाल के रखा है। मैं रियली आज कुछ भी हूँ तो और सही सलामत हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। और क्या बोलूँगा, समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही बोलूँगा कि मेरी जो शॉर्टकमिंग्स हैं गुरुजी, जो आप मेरे अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे वो सब चीज़ें ख़त्म कर दो, जो जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो, जैसे आप मुझे वर्तन मेरा चाहते हो मैं वैसा बन सकूँ, ऐसा बल दो। ऐसा मैं धुन भी करता हूँ महाराज के श्री चरणों में, आपके चरणों में, दीदी के चरणों में, प्लीज़ ऐसा करने में मेरे को बल देना। सजान स्वामी महाराज की जय। बबीता के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था कि बबीता रेगुलर मंदिर आया कर, जिया जी को मंदिर लाया कर, खूब सेवा करा कर। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, अगर कहीं लाने ड्राइवर की ज़रूरत होती है तो मैं आ जाया करूँगा, बट रेगुलर आया कर, खूब सेवा करा कर, ताकि गुरुजी राजी रहें। ये राजी हैं तो सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, और सब परफेक्शन से मिलेगा। तो लाइफ में इनको प्रायोरिटी रख करके, परिवार को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के चलेगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। सजान स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य मनीष गोयल से प्रार्थना कि वे भी आज की सभा में हमें अपना लाभ दें।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मैं करीब 4-4.5 साल पहले मंदिर की सेवा में आया था, ड्राइविंग की सेवा में। तो उस टाइम दीदी के साथ डॉक्टर के जाना है, कहीं जाना है, तो दीदी को लेके जाता था मैं साथ में। तो एक दिन गाड़ी में दीदी ने ऐसे ही बात करी कि कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो 2 मिनट भगवान को याद करना है, और कहीं से भी ऑफिस से निकलो, घर से जाओ, कुछ भी करो, मतलब भगवान को एक बार याद करके निकलना है। तो अब गुरुजी, मैंने दीदी की वही बात एक पकड़ी है, ऑफिस से निकलता हूँ या घर से निकलता हूँ या किसी भी छोटे काम से जाता हूँ, तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के निकलता हूँ कि आप साथ रहना और रक्षा करना। वो एक आदत बन गई है मेरी कि ठाकुर जी के सामने हाथ ही जोड़नी है। ऑफिस से निकलता हूँ तो हेलमेट पहना तो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े, बाहर जाके फिर वापस आता हूँ तो ऑफिस का जो स्टाफ है वो भी कहता है, भैया क्या कर रहे हो, ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मगर दिमाग में वो रहता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ना। वो कहता है, मैं तू ये बात नहीं समझेगा। तो इसी तरह मैं एक बार 4 बजे के करीब निकला ऑफिस से और ठाकुर जी के सामने वही प्रार्थना करी कि साथ रहना। तो ऑफिस से निकल के मेरे को रास्ते में जाना था ट्रांसपोर्ट पे काम से, माल बुक करवाने के लिए। तो मैं 2 मिनट के लिए रास्ते में रुका था, किसी दोस्त से मिला था, और उससे मिल के जहाँ जाना था वहाँ करीब 2 मिनट का रास्ता था, और बाइक पे वो भी नहीं लगना था। तो मैंने बैग चेक करा, पूरा चेक करके बैग में पीछे रखता हूँ अपने। तो ट्रांसपोर्ट पे गया, ट्रांसपोर्ट पे जाके देखा मेरे बैग की दोनों चैन खुली हुई थी। तो ट्रांसपोर्ट वाले, बैग उतारा मैंने, ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला कि भैया अपने बैग में देखो क्या क्या निकला है। तो उस टाइम मेरे बैग में कैश भी काफ़ी था, और एक मेरा चेकबुक का पाउच होता है जिसमें ATM कार्ड, बैंक की चेकबुक, वो दूसरी चैन इनमें रखा हुआ था। तो वो कैश का बैग ना निकल के उसके चलती बाइक पे 2 मिनट के अंदर उसने वो मेरा पाउच निकाल लिया जिसमें चेकबुक थी। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन करा और घर पे भी फ़ोन करा, मैं वो चेकबुक का पाउच घर पे तो नहीं रह गया, दोनों जगह से मना हुआ कि नहीं घर पे तो नहीं है। तो मैंने वहीं से बैंक में फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे मेरी चेकबुक चोरी हो गई है तो उनको ब्लॉक कर दो। तो बोले कि ये तो आपको रिटर्न में देना होगा। मैं कहा मैं रिटर्न में कल दे दूँगा, मगर उसने मिसयूज़ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। तो उन्होंने इतना कहने पे चेकबुक ब्लॉक कर दी मेरी दोनों। तो अब मैं मंदिर आ गया 6 बजे के करीब, तो गुरुजी आरती में बैठे हुए थे, आरती चल रही थी। तो मैंने गुरुजी को आके कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे चोरी हो गई मेरे बैग से। गुरुजी ने जयप्रकाश अंकल को बुलाया कि इसकी बात सुनो, कैसे हुआ है, चलती बाइक पे कैसे बैग निकाला इसका। तो मैंने जयप्रकाश अंकल को बताया पूरा, गुरुजी को बता के मैं तो बेचिंतित हो गया कि अब जो होगा महाराज करेंगे। मगर गुरुजी को बताने के बाद तुरंत ही 1 घंटे बाद खुद ही फ़ोन आया सामने से कि आपका कुछ सामान चोरी हुआ है। मैं कहा हाँ चोरी हुआ है। कह रहे क्या क्या था उसमें, मैंने पूरी डिटेल बताई, चेकबुक है, ATM कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। वो और बारीकी से पूछने लगा और क्या था। तो मैंने आखिरी उसको ये कहा कि उसमें एक रिनोल्ड्स का पेन है, रिनोल्ड्स का। तो कह रहा ठीक है, हाँ ये आपका ही पाउच है। तो मैंने गुरुजी को बताया कि उसने कहा मेरे को कि आप मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ,
पहले सदर में आ जाओ। मैंने गुरुजी को कहा वो ऐसे ऐसे सदर में बुला रहा है। गुरुजी ने कहा नहीं, उसको बोलो कि सदर बाज़ार थाने का जो SHO है उसको वो पाउच दे दे, हम कल अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा के उससे ले लेंगे। तो मैंने उसको फ़ोन करा, मैं आप ऐसा करो। वो कह रहा मेरी सदर में दुकान है और मैं व्यापारी हूँ, अगर आपको अपना पाउच लेना है तो लो, नहीं तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है आपको देने की। फिर मैंने गुरुजी को कहा वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। गुरुजी ने कहा कि किसी मेट्रो स्टेशन पर बुला लो। उसने कहा आप अशोक पार्क मेन पे आ जाओ। तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया मैं वो सुनसान एरिया है थोड़ा, कल को कोई गलत आदमी हुआ सुनसान एरिए में, तो मैंने उसको एक ही बार कहा आप शास्त्री नगर मेट्रो पर आ जाओ, यहाँ मिल लेते हैं। कह रहा ठीक है हम शास्त्री नगर मिलते हैं। तो मैंने गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे वो वहाँ बुला रहा है। तो गुरुजी बोले ठीक है जाओ। तो मैं गुरुजी से पूछा मैं किसी को साथ भी लेके जाना है क्या? गुरुजी बोले नहीं तू अकेला जा। मैं ठीक है, वहाँ गया पूरा पाउच लिया। तो एक यही कहना है कि गुरुजी के सामने आके कोई भी बात करो या कोई भी अपना समस्या रखो तो गुरुजी उसका हल तो करते ही हैं और साथ साथ चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैं चीज़ भूल चुका था कि ये चीज़ मेरे को वापस मिलेगी। वो एक मैं मानता हूँ कि एक घंटे में गुरुजी को मैंने 6:15 के करीब बताया और 7:10 या 7:15 हुए थे तो सामने से फ़ोन आ गया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक चमत्कार ही है जो गुरुजी ने करा है, जो मेरा सामान वापस दिलवा दिया। मैं सामान लेके वापस आया तो गुरुजी सभा चल रही थी, गुरुजी ने सभा में बुलाया, अपने हाथ में पूरा सामान लेके चेक करा, फिर बोले पूरा है? मैं हाँ जी पूरा है। फिर गुरुजी बोले ठीक है। तो इसी तरह गुरुजी ने एक सेवा परसों दी थी मेरे को रुद्राक्ष लाने के लिए, एक मुखी। एक तो सुबह मेरा घर पे नेटवर्क की सिग्नल रहती है तो गुरुजी का मिस कॉल गई हुई थी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ऑन करा तो गुरुजी की एक मिस कॉल हो तो समझ आए, उसमें 5-6 मिस कॉल। अब मिस कॉल देख के तो धड़कन बढ़ गई कि क्या हुआ। तो मैंने फ़ोन करा तो आनंद ने फ़ोन उठाया कि मैं कह भाई मिस कॉल थी आपकी। कह रहे गुरुजी ने कहा एक बार जाओ तो मिलके जाना। मैं कहा कुछ खास? तो कह रहा नहीं गुरुजी ने बस इतना ही कहा है मिलके जाना। मैं ठीक है। फिर मैंने मंजिल को कहा कि तू जल्दी से नाश्ता कर दे और गुरुजी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी। तो मैंने हल्का फुल्का नाश्ता करके मंदिर आ गया तो गुरुजी ने एक रुद्राक्ष दिया कि इस साइज़ का एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए। गुरुजी ने कहा वो नेपाल में मिलता है, मगर एक मुखी मिलना काफ़ी मुश्किल है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता और मिलता है तो उसकी वैल्यू इतनी होती है कि हम सोच नहीं सकते। तो गुरुजी ने कहा नहीं वो चाहिए। तो मैंने पापा को फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है। पापा भी एक बार सोच में पड़ गए कि गुरुजी ने कहा है और एक मुखी कहा है तो वो ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल है। तो फिर मैंने भी 2-3 जगह फ़ोन किया मैं ऐसे ऐसे है। तो एक ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ नेपाल, मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता है और वहाँ पे रुद्राक्ष के पहाड़ हैं, मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको। और वहाँ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो पार्टी थी उसने कहा कि उसमें 10 साल में खाली 2 रुद्राक्ष एक मुखी गिरते हैं पूरे पहाड़ों में, और वो जिसके पास भी जाते हैं तो वो देता नहीं है या उसकी कीमत इतनी मांगता है कोई दे नहीं सकता उसकी। तो मैं गुरुजी को बताया तो चलती रही बात। तो कल पापा को मिला रुद्राक्ष, वो एक रुद्राक्ष मिला उसकी वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए। मैं गुरुजी को फ़ोन करा कि एक मिला है उसकी 2.5 लाख रुपए वैल्यू है। फिर जब ही दूसरी फ़ोटो आई उसकी वैल्यू आई 40,00,000 रुपये।
तो वो फ़ोटो भी भेजी गुरुजी को। गुरुजी ने फिर कहा उसके साइज़ पूछो। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया नेपाल कि उसका साइज़ बताओ। उसका साइज़ पूछ के गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा नहीं उसको आप कम करो। तो पापा ने वही उससे कर ली थी, उसने कहा था मैं लास्ट 25,000 लूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं उसको 21,000 रुपये शगुन के पकड़ा दो और वो ले लो। तो मैंने पापा को फ़ोन करा ऐसे ऐसे है। पापा उसकी दुकान पे गए, वो मालिक नहीं बैठा था, उसका स्टाफ था, उसी को वो 21,000 रुपये पकड़ाए और रुद्राक्ष ले आए। तो गुरुजी को मैंने बताया कि वो 21,000 में रुद्राक्ष हो गया है, तो अब बात आई उसको लाने की। तो गुरुजी बोले आएगा कैसे? अभिषेक भाई बोले पापा आने वाले हो या और कोई आने वाला हो वो लेके आ जाएंगे। तो मैं गुरुजी को कहा गुरुजी नहीं मैं चला जाता हूँ वो रुद्राक्ष लेने के लिए। गुरुजी बोले नहीं तू जाएगा तो उसका खर्चा भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। मैं कहा नहीं उसका खर्चा आने जाने का खर्चा मैं खुद कर लूँगा। गुरुजी बोले नहीं ऐसा नहीं है, कोई आने वाला हो तो उससे मंगवाओ। तो मैं नीचे हॉल के गेट से बाहर ही नहीं बाहर निकल भी नहीं पाया था, इतने में पापा का फ़ोन आया कि तू है ना गुरुजी का रुद्राक्ष लेने आएगा। तो खाली दो आइटम लिया अपने साथ में नेपाल और तेरा आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। तो मैंने गुरुजी को आगे कहा कि गुरुजी मेरे को ऐसा सामान लेके जाना है दो आइटम और उसमें मेरा आने जाने का खर्चा निकल जाएगा, मैं मेरे को अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। तो गुरुजी इतनी बारीकी से सोचते हैं कि इसको अपनी जेब से ना भरना पड़े। और गुरुजी ने वो भी एक चमत्कार मैं मानता हूँ वो भी एक चमत्कार है जो सामने पार्टी की ऐसी बुद्धि करी कि उसने एक ही बार में हाँ कर दी कि आप ये माल लेके आओ और आपका आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। तो ये भी एक चमत्कार ही मानूँगा मैं कि गुरुजी ने आने जाने का खर्चे का हल भी निकाल दिया मेरा। गुरुजी आप जैसे एक बार कुटुंब भाव की बात करते हो कि कुटुंब भाव रखना है, कुटुंब भाव एक दूसरे में रखना है, तो ऐसे ही अभी निमित की शादी थी तो हम सब लड़के इकट्ठा होके गए थे निमित की, निमित शाह तो हम सब लड़के इकट्ठा होके गए थे 11 या 12 लड़के। तो वहाँ पे हमने पूरा मज़ा किया। निमित भी शायद भूल नहीं पाएगा अपनी शादी को वहाँ पे क्या हुआ था। तो वापस आते हुए आशीष भाई से मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे हम सारे मिलके गए। तो उसमें आशीष भाई भी बहुत खुश हुए कि यही तो कुटुंब भाव है जो तुम सब लड़के इकट्ठे होके गए हो और जो गुरुजी करवाना चाहते हैं कुटुंब भाव से रहना। तो वो कह रहे हैं मेरे को लगता है कि लड़के उस पे आ गए हैं कि आप सब मिलके गए हो तो वे कुटुंब भाव से गए हो। तो गुरुजी एक यही प्रार्थना कि जो आप कुटुंब भाव की बात करते हो वो हम अपने जीवन में उतार सकें और सबके साथ मिलके चल सकें, यही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज पूज्य केसर का जन्मदिन है तो पूज्य बबीता जी उनके लिए बुके और गिफ्ट लेके आए हैं, उनको भेंट देंगे। Thank you.
संबंध ने शंभू, जिसे गुरुजी प्यार से कहते हैं हर हर शंभू, उसने ये वादा किया है कि अनुष्ठान शिविर के पूरे महीने में, अनुष्ठान शिविर में वो सभा में बैठेगा। जब अभी इतनी अच्छी बात करी है ना, तो डॉक्टर को बोलो इसको हार पहनाओ।